रक्षाबंधन भी नहीं बच पाया। जीएसटी की मार से बहनें तलाश रही है भाइयों के लिए सस्ती राखी। रक्षाबंधन को भले ही आज एक दिन बचा हो पर बाजारों में पड़ी सुनसान व्यापारियों के पसीने छूटा रही है। दुकानदार खाली बैठे हैं और बाजार में राखी खरीदने वाला कोई ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। वहीं दुकानदार और ग्राहक का मानना है कि जीएसटी के चलते मंदी है और राखी जैसे त्योहार पर इतनी मंदी पहले कभी नहीं देखी गई। वहीं बहनें सभी को राखी पर शुभकामनाएं तो दे रही है पर चेहरों से खुशी गायब है। जी हाँ, जीएसटी लगने के बाद देश में राखी का पहला त्यौहार आते ही जीएसटी का व्यापार पर साफ साफ असर दिखाई दे रहा है। राखी पर अक्सर कपड़ा बाजार हो, सैलून हो या राखी की दुकानों पर भारी भीड़ लगी रहती थी पर इस बार जीएसटी के चलते लोग अपने आप को कंगाल महसूस करने लगे हैं। राखी पर औरतें ना तो नए कपड़ों से लेकर ब्यूटी पार्लर तक जाने की भी जिद नहीं कर रही बल्कि अपने भाई के लिए या तो सस्ती राखी खरीद रही है या हाथ से बना रही है। वहीं महिलाओं का कहना है कि चाइना की राखी बंद होने से कोई भी वैरायटी नहीं मिल रही जिसके चलते बाजारों में रौनक नहीं है। आजाद टीवी न्यूज के लिए गुरदासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं भी ऐदा ही भरावां अपने रखड़ी बंधी रही हाँ, मठियाइयां लियानियां, चॉकलेट, हर एक चीज़ जो उन्होंने पसंद हो लिया के उन्होंने अगे रखनी है, जो उन्होंने च्वाइस हो उन्होंने खानी है। ब्याह तो बाद भी कोई इन्ना फर्क नहीं है, बस ये फर्क है कि मैं अपने ससुराल तो उत्थे जाती हाँ, पहले मैं उन्होंने विच रहिंदी सी तो हुण मैं अपने ससुराल तो उत्थे जाती हाँ। हैप्पी रखड़ी सारे भैन भरावां वास्ते, सारे वास्ते खुशियां भरी लियाए, हर एक भैन हर एक भरा खुशियां नाले त्यौहार मनाए। हैप्पी रखड़ी। तो सर जिदा कि पहला रखड़ी का कोई त्यौहार आता सी तो इतने इन्ना कु रश हों कि पाँच छे दिन पहला ही बुकिंग लैनी पैंती सी। अज देखो साड़ा सैलून सारा वेला पिया हो, असी फ्री बैठे हुए हैं तो महंगाई ने बहुत काम खराब कर दिता हुआ वै। तो सर ये मैं लगता है कि जिदा GST ही करके ये काम मंदा पै गया वै, तो बाजार से भी कोई रश नहीं है, लोग वेले बैठे देने, बहुत ही माड़ी हालत हैगी।